हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सतीश रावत और आप देख रहे हैं एसआर रोबोटिक्स। और ये है एक और हमारे पास रोबोटिक्स से रिलेटेड पूरा, और ये मास रोवर भी कह सकते हैं इसे, रोकल बोगी भी कह सकते हैं इसको। और ये कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले पार्ट्स की स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ। आपको दिक्कत आती है इसलिए मैं पहले यहाँ बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये मोटर्स यूज़ करी है, गियर मोटर है, और इनका जो आरपीएम है आप 60 या 30 कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 60 आरपीएम यूज़ कर रहा हूँ। 60 आरपीएम यूज़ करेंगे तो इसमें ताकत ज़्यादा रहेगी वज़न के कारण, तो 60 आरपीएम का यूज़ करें। 6 इसमें 60 आरपीएम के मेरे पास गियर मोटर लगेगी, ठीक है। आप अगर 300 आरपीएम में 400 आरपीएम लगा देते हैं इसके अंदर तो ये बहुत तेज़ भागने लगता है और वज़न उठाने में दिक्कत होती है इसको, इसका वेट ओवरऑल ज़्यादा है, ठीक है। सो मैं रिकमेंड करूँगा 30 से 60 आरपीएम की गियर मोटर आप यूज़ करें। 6 डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। ये व्हील्स है, ये थोड़े बड़े वाले व्हील्स हैं, तो बड़े वाले ही व्हील्स यूज़ करें। छोटे करना चाहते तो छोटे कर ले, आपके अकॉर्डिंग जैसा सही लगे। ये 6 व्हील्स लगेंगे। इसके अलावा पीवीसी प्लास्टिक पाइप के मैंने ये 1 इंच का पाइप का टुकड़े लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 1 इंच है, ये आधा इंच नहीं है, ठीक है। इसकी जो मोटाई है 1 इंच है, आप चाहे तो आधा इंच के पाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो सारा सेटअप दिख रहा है इसमें मैंने मार्किंग कर दी है। 9 सेंटीमीटर कटिंग है इसकी, ये 5 सेंटीमीटर कटिंग हो रही है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सब दो दो क्वांटिटी में, ये 4 क्वांटिटी में 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा ये 15 सेंटीमीटर की 2 क्वांटिटी में हमारे पास पाइप है। इसके अलावा ये 18 सेंटीमीटर। मैं सारी चीज़ें बार बार बता रहा हूँ आपको, ताकि कुछ भी पूछना ना पड़े मुझे बार बार। आप जो भी पूछना चाहे कमेंट में पूछ सकते हैं, बेसिकली मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आप आधा इंच का पाइप यूज़ कर सकते हैं, मैंने 1 इंच का पाइप यूज़ किया है। इसके अलावा 6 ब्लॉक्स लग रहे हैं हमारे इसके एल शेप के, 1 2 3 4 5 6, ये भी आधे इंच के हैं। आप ऐसे ही ब्लॉक ले जो इसमें ईजिली फिट हो जाए। देखिए ईजिली फिट हो रहा है, समझ रहे आप, ताकत से लग रहा है। तो ये वाले आपको यूज़ करने हैं बेसिकली। इसके अलावा ये थोड़े से बैंड वाले भी आते हैं, तो आप फोटो लेके जरूर जाए और दिखा दें उनको, बोले कि 1 इंच के हिसाब से आप दे दो, 1 इंच से दे देंगे। इसके अलावा एक कैप है, ये पाइप के एंड पे लगती है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये पाइप के एंड पे लग जाती है तो लॉक हो जाता है। तो ये हो गई कैप। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है मॉड्यूल, RF मॉड्यूल बोलते हैं इसे। मैंने इसका यूज़ अभी वायरलेस रोबोट के अंदर भी किया हुआ है। इसको बनाते कैसे, वर्किंग कैसे होता है, इसका वीडियो मैं एक और डाल चुका हूँ, लेकिन मैं अभी वापस सिखाने वाला हूँ इसके अंदर। ये RF मॉड्यूल है, ये मोटर ड्राइवर है, ये रिसीवर है, ट्रांसमिटर। इसे अपने हाथ में रखेंगे हम, इससे कंट्रोल करेंगे और इससे रिसीवर रिसीव करेगा। 50 मीटर के दायरे के अंदर आप इसको आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। यूनिक है, शानदार है, आप अच्छे से बना सकते हैं। सो मैंने आपकी सारी डिटेल्स बता दी हैं, चलिए इसको बनाना चालू करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नीचे देखिए आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा आ रहा बटन, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए और बताइए मुझे कैसा लगा आपको, और बनाइए इसको। थैंक यू वेरी मच।